क्यों आओ भी? इसको तो लेने दो, इसको लेने दो, लेने दो, इसको दियो ना, ना मैं इसको एक बार आ रहा है। चलो दिमाग तो धुआं और बड़ा बहुत देना इससे ये मास्क आपको सारे वायरस से। अशोक भैया एक बात बतानी था आपको, बताइए। लगा ले लगा ले, और भी जो आ रहे हैं रोको, जो हजार जा रहे हैं। ये तो ऐसे तो एक बार में ही होगा, छोटी छोटी बोतलें छोटी छोटी 10-15 की मैंने, लेकिन आप लोगों ने ज्यादा से ज्यादा मंगा दी। जिस तरह से ये महामारी है उसे रोकने के लिए हमारे प्रधानमंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री से लेकर के सब हम लोग जुटे हुए हैं, जनता को जागरूक भी कर रहे हैं। और जनता के बीच में जनप्रतिनिधि होने के नाते मैंने देखा जो वास्तव में सेवा कर रहे हैं, मीडिया के लोग सेवा कर रहे हैं, पुलिस वाले सेवा कर रहे हैं, इनको प्रॉपर हमारा एक तरह से मास्क मिले, सैनिटाइज़र मिले और इनकी भी चिंता की जाए। तो आज मैंने यहाँ आकर के कुछ मास्क भी बाँटे हैं, कुछ सैनिटाइज़र बाँटे हैं और जनता को सही स्थान पर भोजन मिले इसलिए जनता रसोई भी हमने प्रारंभ की है, जिस प्रारंभ में उसे चपाती सब्जी और बाकी ऐसे लगभग 1,500 लोगों को तो हम पहुँचा रहे हैं और बाकी लोगों को धीरे धीरे संख्या आ रही है। तो कम से कम मेरे क्षेत्र में कोई भूखा न सोए इसकी चिंता करें। और लगातार मेरे पास जिस प्रकार की शिकायतें आ रही हैं, वो तो कुछ कालबाजारी कर रहे हैं, कुछ अगर दुकान नहीं खोल रहे हैं, कोई सामान नहीं, लगातार प्रशासन के साथ संपर्क रखते हुए हम इसका भी समाधान करें। आज मैंने DSO को भी 5-7 स्थान बताएं जहाँ भी इन्होंने टीम रवाना की है, इस प्रकार की है। साथ में प्रशासन से भी आज अपील की है, कल से इनकी भी प्रत्येक वार्ड में एक एक गाड़ी, एक में सब्जी और एक में किराने का सामान, ये प्रत्येक वार्ड में 2-2 गाड़ियाँ कल से जानी प्रारंभ होगी, जिससे जनता को राहत।